नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पलटे के बारे में, जिसको आप सुबह भी रियाज कर सकते हैं और किसी भी वक्त आप रियाज कर सकते हैं। और इसकी बनावट कुछ इस तरह है कि इसमें सरगम बोलने का तो एक फ़ायदा होगा ही होगा, मगर साथ ही साथ में अगर आप उसको आकार में भी रियाज करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। और साथ ही साथ में ये एक पलटा ऐसा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे तालों के छंद के बारे में भी बहुत बखूबी पता लगेगा और बहुत ही खूबसूरत पलटा है। और इसको पलटा बनाकर भी आप रियाज कर सकते हैं या आप इसको एक दो फ्रेजेस बना के आप एज अ पैटर्न भी आप उसको गा सकते हैं। मैं आपको इसका पैटर्न समझाता हूँ। ये 32 मात्रा में होगा और दुगुन में गाना है। तो पहली बार हम इसको बोलेंगे गरेसा। ये पैटर्न आपको याद करना है और लिखना जो है इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखना है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पहले लिखिए आप गरेसा, उसके बाद ग को ही हम, जैसे अभी हमने एक बार ग बोला तो दूसरी बार में हम रेसा ये सेम रखेंगे, मगर ग को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहली बार में ग एक बार है, दूसरी बार में ग ग रेसा यानी कि ग दो बार हुआ, तीसरी बार में ग ग ग रेसा, तीन बार ग फिर रेसा, चौथी बार में चार बार ग फिर रेसा, पाँचवीं बार में पाँच बार ग फिर रेसा, फिर छः बार ग फिर रेसा, फिर सात बार ग फिर रेसा, फिर आठ बार ग और फिर दोबारा रेसा। उसके बाद मागा मागा रेसा, मागा मागा ये दो बार, फिर रेसा, फिर पमा गरे सा आ। बहुत सिंपल पैटर्न है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ। गरेसा, दो बार ग, फिर ग ग रेसा, देन तीन बार ग ग ग ग रेसा, फिर चार बार ग ग ग ग रेसा, फिर पांच बार ग ग ग ग ग रेसा, छः बार ग ग ग ग ग ग रेसा, सात बार ग ग ग ग ग ग ग रेसा, फिर आठ बार ग ग ग ग ग ग ग ग रेसा। उसके बाद मागा दो बार है, मागा मागा रेसा, देन पामा ग रे सा। तो बहुत सिंपल पैटर्न है वैसे सोचने के लिए, बट एक्चुअली मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, अभी गाकर भी बताऊँगा, बट मैं आपको इसको किस छंद में आपको गाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ग रे सा तो सिंपल हो गया। उसके बाद ग ग जो है इसमें वजन होना चाहिए ग पे, पहले ग पे। तो जैसे एग्जांपल ग रे सा, ये एक हुआ ग ग रे सा, ग ग रे सा सिंपल नहीं बोल रहा है, ग ग ग ग ये रे ग रे ग, इसके अंदर ये कर्ण होना चाहिए, थोड़ा गमक का एक फ्लेवर ऐड होगा तभी मजा आएगा। तो पहला ग रे सा, दूसरा ग ग रे सा, तीसरा ग ग ग रे सा, तो तीन बार ग हुआ, तीनों पे वजन है और तीनों रे के कर्ण से जा रहे हैं। चौथा भी ऐसे ही है। पांचवे वाले में आपको क्या करना है कि पांच को आप दो छंद में डिवाइड करेंगे, दो और तीन का छंद। तो जैसे ग ग ग ग ग ग ग ये तो हुआ, तो ग ग ग ग ग रे सा। तीसरा जैसे एक दो मैंने बोला तो पांच बार टोटल ग बोला, तो पहले वाले ग पे वजन देना है, उसके बाद तीसरे वाले ग पे वजन देना है, तो दो और तीन का एक डिवीजन नजर आएगा, क्योंकि वो हमारे झपताल एक ताल होती है झपताल 10 मात्रा की, तो उसमें छंद इस तरह चलता है। उसके बाद जो छः वाला हम छंद बोल रहे हैं, छः बार जो ग आएगा उसमें तीन तीन पर वजन होना चाहिए। तो पहला वजन एक पर होगा पहले ग पे, दूसरा वजन होगा चौथे ग पे। तो ग ग ग ग ग ग रे सा, तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, ग 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 रे सा। और जिसके बाद सात वाला आ रहा है तो उसमें तीन और चार का डिवीजन हम करते हैं। तो अगर सात बार ग बोल रहे हैं तो पहले वाले ग पे वजन आएगा, उसके बाद चौथे वाले ग पे ही वजन आएगा। तो ग ग ग ग ग ग रे सा, तो ग ग ग ग ग ग रे सा, सॉरी ग ग ग ग ग ग ग रे सा, ग ग ग ग ग ग ग रे सा। अच्छा, मैंने वजन एक और चार पे बोला था, बट एक वजन इसमें और है, क्योंकि सात मात्रा की हमारी बहुत ही खूबसूरत सी एक ताल है, जो कि जिस ताल का नाम है ताल रूपक, उसके अंदर सात मात्रा होती है और उसका जो छंद डिवाइड किया गया है हमारे उस्तादों द्वारा, हमारे बुजुर्गों द्वारा, वो तीन दो दो का किया गया है। तो पहला ग पे जो वजन आएगा वो आएगा पहली मात्रा पर, दूसरा वजन आएगा चौथी मात्रा पर, और जो तीसरा वजन आएगा वो आएगा छठी मात्रा पर। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अगर इस तरह बोलेंगे तो ग ग ग ग ग ग ग रे सा, ग ग ग ग ग ग ग रे सा, ग ग ग ग ग ग ग रे सा, ग ग ग ग ग ग ग रे सा। उसके बाद चार चार का वजन है, तो यानी कि आठ
बार हमको गा बोलना है, तो पहला वजन आएगा हमारा एक पे, दूसरा वजन आएगा हमारा पाँच पे, तो इस तरह हमको गाना है। तो उसके बाद मगा मगा रेसा जो है उसमें म पे वजन रहेगा, जैसे मगा मगा रेसा, मगा मगा रेसा, देन प मगा रेसा, फिर प पे वजन है। तो वजन का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो पूरा पैटर्न जो है वो बहुत फ्लैट साउंड करेगा, उसमें इतना आनंद नहीं आएगा। तो पैटर्न देखिए एक बार, मैं थोड़ा जल्दी आपको गाकर सुना रहा हूँ। आप YouTube में एक फीचर होता है, ऊपर आप जब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है। अगर आपको मेरा गाया हुआ थोड़ा फास्ट लगता है तो आप स्लो करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी रियाज आपको खुद करना है। बट मैं समझा बहुत डिटेलिंग से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जितनी ज़्यादा बारीकी से मैं आपको समझा पाऊँ, बाकी रियाज आपकी बात आपकी चीज़ है। तो गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा। तो देखिए कितना मजेदार लगता है। अगर मैं इसको फ्लैट गाऊंगा बिना छंद के तो देखिए उतना असरदार नहीं लगेगा। देखिए गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा, उतना मजेदार नहीं रहता। तो वजन का आपको ख्याल रखना है। देखिए वन टू रेडी वन टू थ्री गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 सॉरी दोबारा वन टू थ्री स्टार्ट गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा मगा मगा रे सा प मगा रे सा। एक बार और देखिए, अगर मेरा भी थोड़ा सा फोकस हटा तो मुझसे भी यहाँ पर गलती हो रही है अभी, क्योंकि मेरा भी ध्यान वीडियो बनाने में भी है या वैसे भी है, तो थोड़ी सी गलती मुझसे भी हो रही है। तो किसी से भी, चाहे कितना भी कोई परफेक्शनिस्ट हो, मैं तो उतना परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी शागिर्द हूँ अपने उस्तादों का, कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए। तो बट यहाँ पर अगर हमारा बहुत अच्छा फोकस रहेगा, तानपुरी की तरफ ध्यान रहेगा, तो हम और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ गाइए आप लोग। वन टू थ्री स्टार्ट गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा। एक बार और वन टू थ्री स्टार्ट गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा म गा म गा रे सा प म गा रे सा। एक बार और वन टू थ्री स्टार्ट गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा म गा म गा रे सा प म गा रे सा। और थोड़ा क्लियर बोलने की भी कोशिश करेंगे, उच्चारण हमारा साफ हम जितना रख पाए उतना बहुत अच्छा साउंड करता है ओवरऑल। तो एक बार थोड़ा धीरे कर देता हूँ, आप मेरे साथ साथ गाइए। वन टू रेडी वन टू थ्री गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा म गा म गा रे सा प म गा रे सा गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा म गा म गा रे सा प म गा रे सा। एक बार और वन टू थ्री सर गरे सा गा गा रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे सा गा 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 रे गा 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 रे सा गा 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 रे सा म गा म गा रे सा प म गा रे सा। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए आसान भी हो जाएगा। तो थ्री टू वन, अगर सा एक है, रे दो, ग हमारा तीन हो जाएगा, म चार, प पाँच। तो थ्री टू वन, थ्री थ्री टू वन, थ्री 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 टू वन, थ्री 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 टू वन, थ्री 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 टू वन, थ्री 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 टू वन, थ्री 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 टू वन, आठ बार। उसके बाद थ्री 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 टू वन, फोर थ्री टू वन, फाइव फोर थ्री टू वन। अब इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लिखना भी हो तो बहुत ही इजी पैटर्न है। अब इस नज़रिए से देखेंगे हाँ, बट उसको उस तरीके से गाने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप सोचें कि गरे सा से अगर आपने ये बनाया
तो जाहिर सी बात है कि ये पैटर्न अगर आप आगे शिफ्ट करते हैं तो म ग रे से क्या होगा, प म ग से क्या होगा। मैं आपको सिर्फ एक म ग रे से क्या पैटर्न बनेगा मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद बनाने का होमवर्क आपका है। तो म से क्या होगा, एक बार है म ग रे म म ग रे म म म ग रे म म म म ग रे म म म म म ग रे म म म म म म ग रे म म म म म म म ग रे। उसके बाद आठ बार म म म म म म म म ग रे द प म प म ग रे द ध प म ग रे। ये पैटर्न बनेगा, तो अगर एक साथ गाएं तो बहुत आनंद आता है। 1 2 3 सा ग रे सा ग ग रे सा ग ग ग रे सा ग ग ग ग रे सा ग ग ग ग ग रे ग ग ग ग ग ग रे सा ग ग ग ग ग ग ग रे सा ग ग ग ग ग ग ग ग रे म ग म ग रे सा प म ग रे सा म ग रे म म ग रे म म म ग रे म म म म ग रे म म म म म ग रे म म म म म म ग रे म म म म म म म ग रे म म म म म म म म ग रे प म प म ग रे ध प म ग रे। इसके बाद आप देखिए कितना आनंद आएगा, तो आप पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपके रियाज की बात है, आप इसको चाहे आकार में कीजिए चाहे किसी भी तरह कीजिए, बट ये रियाज बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको सा से नीचे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गया कि अभी ये जो मैं आपको रियाज बता रहा हूँ ये मैं राग अहीर भैरव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ये आपके सुबह के वक्त में भी काम आएगा। बट अगर आप शुद्ध स्वरों में रियाज करते हैं, यानी कि बिलावल में अभी आपने कोई ऐसा कोई राग नहीं सीखा है, तो आप शुद्ध स्वरों में रियाज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है उसमें। अभी जैसे मैं रे कोमल लगा रहा हूँ तो आप शुद्ध रे लगा के गाइए, उसमें भी कोई बात नहीं है। पहले इसको बिना ताल में गाइएगा, बिना ताल के साथ गाइएगा, हालांकि है तीन ताल के साथ, बट पहले बिना ताल के आप इसको एक बार स्वरों के साथ इसको पहले सेट करेंगे कि आप जितना हो सके आप उतना सुरीला गाएं। उसके बाद आप ताल के साथ जब रियाज करेंगे तो और अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, अभी मैं आपको हारमोनियम के साथ मैं आपको प्ले करके सुना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हारमोनियम के बिना गा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे लोग जो मेरे ट्यूटोरियल स्पेशली बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए ही होते हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग में हारमोनियम का सपोर्ट लेकर ही गाते बजाते हैं, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं गा नहीं रहा होता बट हारमोनियम आपके लिए प्ले कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे मैं इसको साथ में रखता हूँ। बट जो मेन रियाज है, अगर आप थोड़ा सा स्वरों को पहचानना आपने शुरू कर दिया है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ अगर किसी स्वर में दिक्कत हो रही है तो हारमोनियम प्ले करके एक बार आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा चला के रियाज कीजिए, या उसके अलावा अगर आप और अच्छे से ट्रेंड है तो आप मैनुअल तानपुरे के साथ गाइए, आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको मुनाफा कमाना है तो। बट अगर आपकी शुरुआत है तो आप हारमोनियम के साथ गाइए तो भी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आप वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।